हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एकदम नए तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट बेसन की सब्जी का रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं, ये देखने में ही लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी। जब भी घर में कोई सब्जी ना हो तो ये सब्जी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। एक बार आप ये सब्जी बना लेंगे तो हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाएँगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल गरम हो जाने के बाद 1 चम्मच राई और 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। जीरा राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे, साथ में ही 2 पिंच हींग डाल लेंगे। और अब डालेंगे प्याज। 3 प्याज को स्लाइस में काट ली हूँ और 2 हरी मिर्च साथ में ही डाल देंगे। तेल में मिक्स कर लेंगे और हल्का कलर चेंज होने के बाद 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है और प्याज अलग अलग हो गया है। नमक डालने से प्याज जल्दी भून जाएगा और गल भी जाएगा। मिक्स कर लेंगे और प्याज को गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन कलर हो गया है, लाल हो गया है, आप देख सकते हैं। अब डाल लेंगे टमाटर। यह मैं 1 टमाटर को बारीक बारीक काट ली हूँ। आपके पास टमाटर है तो डाल लीजिए, या टमाटर के बिना भी बना सकते हैं। अब मसाले डाल लेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा सब्ज़ी का। यह मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन और काली मिर्च जीरा का पेस्ट बना करके एक ही में ले ली हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ढक देंगे तो टमाटर अच्छे से गल जाएगा और बीच बीच में चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं। अब 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे और ढक करके मसाले को पका लेंगे तो प्याज अच्छे से गल जाएगा और अच्छा ग्रेवी बनेगा गाढ़ी गाढ़ी। इस तरीके से मसाला बनाएंगे तो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब ढक देंगे और मसाला को पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर लेंगे। तब तक मसाला पक रहा है तब तक बेसन की तैयारी कर लेते हैं। 1 बाउल में 1 कप से थोड़ा कम बेसन ले ली हूँ। आपको जितना सब्जी बनाना है उतना आप बेसन ले लीजिए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ मैं 1/2 चम्मच काली मिर्च जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट एक ही में ले ली हूँ। 1 चम्मच तेल डाल देंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, ज़्यादा तेल डालेंगे तो बेसन टूटने लगेगा। अब इन सभी चीज़ों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भुरभुरा बेसन बना लेंगे। बेसन का डो यहाँ हमको नहीं लगाना है, हल्का भुरभुरा ही बनाना है। आप देख सकते हैं इस तरह का बेसन हमको तैयार करना है। और अब इस तरह से छोटा छोटा बेसन को तोड़ लेंगे। आप अपने पसंद से कोई भी शेप का तोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा शेप देना नहीं है। छोटा छोटा तोड़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं तोड़ेंगे। ज़्यादा बड़ा पीस रहेगा तो अच्छे से बेसन नहीं पक पाएगा, इसलिए छोटा छोटा ही तोड़ लीजिए कोई भी शेप का। इसी तरह सभी बेसन को मैं तोड़ ली हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला ले ली हूँ, छोटा सा बड़ी इलायची और छोटा 2 टुकड़ा दालचीनी, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और थोड़ा सा जावित्री। आपके पास जो खड़ा गरम मसाला है वो ले सकते हैं। इसे पीस लेंगे। खड़ा गरम मसाला से सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं। अब एक एक करके बेसन का टुकड़ा डाल देंगे। जितना एक बार में तेल में आ सकता है उतना डाल लीजिए। और अभी इसी तरह नीचे पकने देंगे। जब नीचे पक जाएगा साइड चेंज कर देंगे और उलटते पलटते हुए दोनों तरफ लाइट गोल्डन कलर होने तक बेसन को तल लेंगे। बेसन लाइट गोल्डन कलर का हो गया है, अब निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं तलना है, ज़्यादा तलेंगे तो बेसन कड़क हो जाएगा। इसी तरह बाकी बेसन को तल लेंगे। इधर हमारा मसाला भी तैयार हो गया है।
आप देख सकते हैं मसाला का बहुत ही अच्छा कलर आया है। चम्मच से इस तरह से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे तो प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएगा। प्याज अच्छे से गल गया है, प्याज बिल्कुल खड़ा नहीं है मसाला में, आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से मिक्स हो गया है। अब पानी डाल लेंगे, यहाँ मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। ढक करके ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब फ्राई किया हुआ बेसन डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे आप ऐसे भी पकौड़ी जैसा खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। साथ में ही गरम मसाला डाल देंगे, जो खड़ा गरम मसाला पीस करके रखे हैं। ढक देंगे और 5 से 7 मिनट पका लेंगे। सब्जी को पकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे तो सब्जी और टेस्टी हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट सब्जी को और पका लेंगे, गरम मसाला का कच्चापन दूर हो जाएगा। सब्जी को 1 मिनट पकाने के बाद गैस ऑफ करके 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दी थी मैं। ठंडा होने के बाद ग्रेवी और गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे इस तरह से बेसन की सब्जी बनाएंगे तो। तो फ्रेंड्स, यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।